Starting with the great name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. I hope that you all are good. I am Aksa, your English teacher. This is your lecture number 6. Today I will teach you lesson number 3. The name of the lesson is The Honey Guard's Revenge. You can see on your screen, this is Honey Guider. ठीक है, ये जो बर्ड है ये जो है हनी के लिए, शहद के लिए गाइड करती है लोगों को, इसलिए इसे हनी गाइड कहा जाता है. एंड रिवेंज मीन्स बदला लेना. अब ये बर्ड जो है किससे बदला ले रही है ये आपको स्टोरी पढ़ के ही पता चलेगा. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर स्टोरी. देयर आर टू करेक्टर इन दिस स्टोरी. जो फर्स्ट करेक्टर है वो हनी गाइड का है. जो हनी गाइड है इसका जो नेम है वो निजिड है. ठीक है, इस बर्ड को क्या, इस बर्ड का नेम क्या है, निजिड. और जो सेकंड करेक्टर है वो गेंगाल का है. ठीक है, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं मैन को, इस मैन का नाम क्या है, गेंगाल. नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन द पेज नंबर 36. There once was a greedy young man named Gengal. He rarely shared anything with anyone, preferring to keep everything for himself. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लालची जो है नौजवान जो है, greedy means लालची, एक लालची नौजवान जिसका नाम क्या था, गेंगाइल था. गेंगाइल भी इसे प्रोनाउंस किया जाता है और जिंगली भी इसे प्रोनाउंस किया जाता है. दोनों प्रोनाउंसिएशन क्या है, करेक्ट है. उसे वो बहुत कम ही जो है अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करता था. वो ज़्यादातर जो है अपनी चीज़ों को अपने पास ही रखने प्रेफर करता था, तरजीह देता था कि मेरी जो चीज़ें मेरे पास ही रहे, मैं किसी के साथ शेयर ना करूं. वन डे वाइल गेंगाल वाज हंटिंग ही हर्ड द हनी कॉल ऑफ निजिड. ही स्टॉप एंड लिसन केयरफुली. चिटिक 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 द लिटिल बर्ड रैटल. ही बिगेन फ्लाइंग अहेड, स्टॉपिंग सेवरल टाइम्स टू बी श्योर डैट गेंगाल फॉलोड. एक दफ़ा जो है जब वो शिकार कर रहा था, शिकारी करने के दौरान, हंटिंग में शिकार, ठीक है, जब वो शिकार कर रहा था उस दौरान जो है उसने एक आवाज़ सुनी, निजिट की आवाज़ सुनी और वो स्टॉप हो गया वहाँ पर और उसने बड़ी ध्यान के साथ वो आवाज़ सुनना स्टार्ट कर दिया. ये जो साउंड था चिटिक चिटिक, ये साउंड था उस बर्ड का. देन उसके बाद जो है ही बिगेन फ्लाइंग अहेड, उस बर्ड ने जो है फिर आगे की तरफ जो है प्रवास करना शुरू कर दिया. वो बर्ड जो है कहीं जगह रुकी और ये चीज़ कंफर्म करने के लिए रुकी कि जो गेंगाइल है वो उसको जो है उसका पीछा कर रहा है कि नहीं, उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं. आफ्टर अ वाइल दे रीच्ड अ हूज वाइल्ड फिग ट्री. निजिड हॉप अबाउट मिडली अमंग द ब्रांचेज. ही देन सेटल्ड ऑन अ ब्रांच एंड कुक्ड हिज हेड, looking at Gengal as if to say, here it is. Gengal could not see anything from his place on the forest floor, but he knew the honey guide's reputation. कुछ देर बाद जो है गेंगाइल और जो निजिट थे वो दोनों एक बड़े जंगली अंजीर के दरख्त पर पहुँचे. फिग ट्री वाइल्ड, फिग कम वाइल्ड मीन्स जंगली और फिग मीन्स अंजीर का दरख्त, ठीक है. देन उसके बाद जो है वहाँ पर जो है बर्ड जो है वो एक टहनी पर बैठ गई, एक ब्रांच पर बैठ गई और उसने जो है कुक्ड मीन्स एक ख़ास एंगल से अपने सर को मोड़ना. जब उसने अपने हेड को जो है मोड़ा और गेंगाइल की तरफ देखा तो वो ये कहना चाह रही थी गेंगाइल को कि मैं यहाँ पर हूँ, बट गेंगाइल जो है वो नीचे की तरफ था, नीचे खड़ा हुआ था, फॉरेस्ट जंगल में नीचे खड़ा हुआ था और जो निजिट थी वो टहनी पर बैठी थी, जिसकी वजह से गेंगाइल को जो है वो निजिट दिखाई नहीं दी. लेकिन उसे पता था हनी गाइड के बारे में, वो अच्छी तरीके से जानता था हनी गाइड को. फिर क्या हुआ, ही प्लेस्ड हिज टूल्स एट द फुट ऑफ द ट्री, गैदर्ड सम ड्राई ट्विग्स एंड मेड अ स्मॉल फायर. उसने, उसके पास जितने भी हथियार थे, जितने भी टूल्स थे, उसने दरख्त के पास रखे और कुछ टहनियाँ वहाँ से जमा की. ट्विक्स मीन्स टहनी, ठीक है.
टहनिया जमा की और उससे क्या बनाई, आग बनाई, ठीक है। आग एज सून एज ट्विग्स वर बर्निंग वेल, जैसे ही वो जो है टहनिया अच्छे से जलना शुरू हो गई, गंगाइल पुट अ लॉन्ग ड्राई स्टिक्स इन टू द फायर, तो गंगाइल ने बड़ी बड़ी जो है खुश्क लकड़ियाँ उस आग में मजीद डाल दी। इट वॉज अ वुड डैट मेड अ लॉट्स ऑफ स्मोक वाइल इट बर्न, क्योंकि वो लकड़ियाँ थी तो उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा स्मोक, बहुत ज़्यादा धुआं जो है वो बनना शुरू हो गया और वो बहुत अच्छे से जल गई। एज सून एज इट बिगेन बर्निंग प्रॉपरली, जैसे ही वो लकड़ियाँ अच्छे से जल गई, ही बिगेन क्लाइंबिंग द कूल एंड ऑफ द ब्रांच हेल्ड इन हिज माउथ। फिर जंगिंगाई ने क्या किया, लकड़ी का जो है कूल पार्ट था, जो ठंडा पार्ट था, उसने अपने माउथ में रखा। ऊपर वाला जो हिस्सा था वो जला हुआ था, उससे जो है आग निकल रही थी। और क्या किया, देन उसके बाद वो ब्रांच पर चढ़ना उसने शुरू कर दिया। ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस इज फिग ट्री, ये जो है अंजीर का दरख्त था। और जो है किंग गायल देखे नीचे खड़ा हुआ था, उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि निजिट कहाँ बैठा हुआ है। जो निजिट थे वो एक जो है टहनी पर सेटल थी, बैठी हुई थी। देन उसके बाद उसने बहुत सारी जो है टहनियाँ ली और उससे जो है इस तरीके से आग बनाई, और इस तरीके से एक लंबी ड्राई स्टिक देखे गिंगाल के हाथ में, जिसके जो है फ्रंट वाले हिस्से पर जो आग लगी हुई और जो पिछला हिस्सा है वो कूल है। सून ही कूड हर द लाउड बजिंग ऑफ द बिजी बीज, व्हेन ही रीच द हाइव ही क्विकली थ्रस्ट द स्मोकिंग एंड ऑफ द ब्रांच इन टू द होलो। जल्द ही उसे मसरूफ मक्खियों की तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही थी। लाउड बजिंग मीन्स तेज़ आवाज़, ठीक है। व्हेन ही रीच द हाइव, जब वो जो है शेद की मक्खी के छत्ते पर पहुंचा, हाइव मीन्स छत्ता जहाँ पर शेद की मक्खी जो है अपना शहद जमा करती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो उसके मुंह पे जो है लकड़ी जो जली हुई थी गेंगायल के, उसने उस लकड़ी को क्या किया, ब्रांच में देखिए यहाँ पर जो है होल बना हुआ है, इसे होलो कहा जाता है, उस जली हुई लकड़ी को इस होलो में डाल दिया। उस होलो में डालने के नतीजे में क्या हुआ, जो उसमें से धुआं निकल रहा था, उस धुएं के नतीजे में जितनी भी हानि बीज थी, जो शहद की मक्खियाँ थी, वो तेज़ी से क्या हो गई, उससे बाहर निकलना शुरू हो गई उस होलो से। द बीज केम रशिंग आउट, वही तेज़ी से जो है उस होलो से सारी शहद की मक्खियाँ बाहर निकल आई। गिंगाइल पुश हिज हैंड इन टू द नेस्ट, और गिंगाइल ने क्या किया, अपना हाथ उसके नेस्ट में जो है शहद की मक्खियों के घोंसले में डाल दिया। ही टुक आउट हैंडफुल्स ऑफ द हैवी कॉम, हैवी कॉम किसे कहा जाता है, शहद की मक्खी के घर को कहा जाता है, जिसमें शहद की मक्खियों ने अपना जो है शहद जमा किया हुआ होता है और उसके अंदर उनके अंडे भी होते हैं। तो गंगाइल ने क्या किया, शहद की मक्खी का पूरा घर जो है बाहर की तरफ निकाला। उसमें से क्या निकल रहा था, ड्रिपिंग विथ रिच हनी, उसमें से जो है हनी जो है गिर रहा था, ड्रिपिंग मीन्स गिरना। ही इग्नोर्ड द फ्यू स्टिंग्स ही रिसीव्ड, उसने क्या किया, जब गंगाइल ने जो है अपना हाथ शहद की मक्खी के छत्ते में डाला, तो बहुत सारी शहद की मक्खियों ने उसे डंग मारा, स्टिंग मीन्स डंग मारना। प्लेस द कॉम्ब केयरफुली इन द बैग ही वोर अराउंड हिज नेक एंड स्लोली मेड हिज वे डाउन। देन उसके बाद क्या किया, उसने उस पूरे शहद की मक्खी का जो कॉम्ब था, ये जो घर था, उसने अपने बैग में डाल दिया, ये बैग जो कि उसके गले में उसने पहना हुआ था। इस तरीके से निजेट वॉच्ड ऑल दिस ईगरली, ही फिजिटेड वेटिंग फॉर द मोमेंट व्हेन गिंगाल वुड गिव हिम अ फेट पीस ऑफ हनी कॉम एज अ थैंक ऑफरिंग। निजिट लव द जूसी बीज एंड द वैक्सी कॉम, निजिट जो है ये सब जो है बड़ी बेताबी से देख रही थी। फिजिटेड मीन्स जो है बेसब्री से, वो बेसब्री से उस वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि कब जो है गिंगाल जो है मुझे एक मोटा पीस हनी कॉम का देगा एज अ शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि जो निजी था उसे जो है जूसी बीज बहुत ज़्यादा जो है शहद पसंद था, और उसका वैक्सीकॉम, वैक्सीकॉम किसे कहा जाता है, जो शहद की मक्खी का जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे वैक्सीकॉम कहा जाता है। फाइनली गिंगाल रीच द ग्राउंड, निजिट फ्लू डाउन एंड वेटेड पेशेंटली फॉर हिज शेयर।
आखिरकार गंगायल जो है वो नीचे ग्राउंड में आ गया और निजित भी उड़ते हुए नीचे की तरफ आ गई और इंतज़ार कर रही थी बेसब्री से कि कब जो है गंगायल जो है वो शहद मेरे साथ शेयर करेगा। बट गंगायल पुट आउट द फायर, लेकिन गंगायल ने जो है आग बुझाई, पुट आउट मीन्स बुझाना, गंगायल ने आग बुझाई, पिक्ड अप हिज टूल्स, अपने सारे आलात उठाए एंड स्टार्टेड वॉकिंग होम, और अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया, इग्नोरिंग द लिटल बर्ड, और उस बर्ड को उसने नज़रअंदाज कर दिया। निजी चिप इंडिग्नेंटली जिंगाइल वो स्टॉप स्टेयर्ड एट द लिटिल बर्ड एंड लाफ्ड अलाउड। जो निजी थी वो बहुत ज़्यादा इन डिग्नेंटली की मीनिंग क्या है, गुस्से में, ठीक है, निजी जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। जो ये जिंगाइल था वो स्टॉप हुआ और उसको घूरने लगा लिटिल बर्ड को, और उस पर बहुत ज़्यादा हंस रहा था। यू वॉन्ट सम ऑफ द हनी, क्या तुम्हें थोड़ा सा हनी चाहिए? हाँ, हाउ डिड ऑल द वर्क एंड रिसीव ऑल द स्टिंग्स, किसने सारा काम किया, किसने जो है शेर की मक्खियों के डंग जो है वो खाए? Why should I share any of this lovely honey with you? क्यों मैं जो है ये हनी जो है तुम्हारे साथ शेयर करूं? You little nothing, तुम ज़रा भी जो है डिज़र्व नहीं करती हनी को। Be off and find yourself another supper. Supper means खाना, तुम खुद अपने लिए अपना खाना तलाश करो। एंड विद अ वेव ऑफ हिज आर्म, उसने अपने हाथ को यूँ झटका दिया गंगायल ने, गंगायल, और फिर वहाँ से वॉक अवे, और फिर वहां से वो चला गया। निजेट वॉज फ्यूरियस, हाउ डेयर दिस मैन ब्रेक द एज ओल्ड कस्टम, बट लिटिल निजेट वॉज नॉट पावरलेस, ही वुड गेट हिज रिवेंज। निजेट जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, फ्यूरियस मीन्स गुस्सा, कि किस इस शख्स की हिम्मत कैसे हुई कि इसने पुराने कस्टम, कस्टम मीन्स रिवाज, के इस पुराने रिवाज को तोड़ दिया, क्योंकि यही कस्टम चला आ रहा था कि जब भी हनी जो है कोई हासिल करता था तो वो हाफ पार्ट जो है निजित को देता था। लेकिन इस बार क्या हो गया, उसका जो है उलट हो गया, गंगायल ने जो है निजित को हनी का कोई भी पार्ट नहीं दिया, सारा हनी उसने खुद रख लिया। तो फिर लिटिल निजित जो है बेख्तियार नहीं थी, उसने फैसला कर लिया, उसने ठान लिया कि अब मैं क्या करूँगी, बदला लूँगी, रिवेंज मीन्स बदला लेना। सेवरल वीक्स लेटर गंगायल अगेन हर्ड द कॉल ऑफ निजित, कई हफ्तों बाद जो है गंगायल ने दोबारा से जो है निजित की आवाज़ सुनी, उसकी पुकार सुनी, रिमेंबरिंग द लास्ट टाइम, उसे वो पिछला टाइम याद था कि किस तरीके से उसकी आवाज़ से उसने उसको फॉलो किया था। गंगायल फॉलोड द लिटिल बर्ड अगेन, जो है गंगायल ने दोबारा से जो है उस नन्हे परिंदे का पीछा शुरू कर दिया। निजित केम टू द रेस्ट इन अ ग्रेट थॉर्न ट्री, निजित जो है आराम के लिए एक जो है कांटेदार दरख्त पर आई बैठी। देन उसके बाद गंगायल क्विकली मेड हिज स्मॉल फायर एंड बिगेन टू क्लिम, गंगायल ने क्या किया, दोबारा से जो है एक छोटी सी आग जो है बनाई, और क्या हुआ, वो दोबारा से दरख्त पर चढ़ना उसने स्टार्ट कर दिया जहाँ निजित बैठा हुआ था। निजित सेट एंड वॉच, जो निजित जो है वो वहाँ बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा था, उसे वॉच कर रहा था, वॉच मीन्स देखना। इस तरीके से जो है निजित ने जो है दोबारा से जो है गंगायल ने निजित का पीछा किया और एक कांटेदार दरख्त पर जो है निजित बैठा हुआ था, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। गंगायल क्लेम्ड वंडरिंग व्हाई ही डिड नॉट हर द यूजुअल बजिंग, गंगायल जो है वो चढ़ रहा था दरख्त पर, वो हैरान था कि उसे इस बार वैसी आवाज़ जो है बिनबिनाने की नहीं सुनाई दे रही जैसे उसे पिछली बार सुनाई दी थी। ही वॉज कंसनट्रेटिंग हर्ड ऑन हिज क्लिम्बिंग, उसने सारा ध्यान जो अपने चढ़ने पर दिया हुआ था, एंड डे ड्रीमिंग अबाउट द हनी, और दिन में वो ख्वाब देख रहा था कि उसे हनी मिल जाएगा। सडनली ही फाउंड हिम सेल्फ फेस टू फेस विद अ लिपर्ड, अचानक, लिपर्ड मीन्स चीता, लिपर्ड चीते को कहा जाता है, उसने अपने आप को जो है अचानक ही एक चीते के सामने पाया। ही फॉ द लिपर्ड वॉज स्टार्टलेट एंड एंग्री एट हैविंग हर स्लीप सो रूडली डिस्टर्ब, अब चीता जो है वो जो है बहुत ज़्यादा चौंका हुआ था और बहुत गुस्से में था कि
कि किसने उसकी नींद को ख़राब कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। शी नेरोड हर आइज, जो चीता था उसने अपने आंखों को छोटा किया। नेरो मीन्स छोटा करना। ओपन हर माउथ टू रिवेल हर लार्ज शार्प टीथ, उसने अपना मुंह खोला और अपने बड़े बड़े तेज दांत जो है गिंगाल को दिखाए। एंड स्ट्रक द मेन, और उस आदमी को मारा। स्ट्रक मीन्स मारना। ड्रैगिंग हर क्लोज अक्रॉस फॉर हेड, चीते ने जो है अपने जो है पंजे थे, क्लो मीन्स पंजे, पंजे जो है उस गिंगाइल के फोर हेड पर यूं मारे। ठीक है, फोर हेड मीन्स माथे, माथे पर जो है चीते ने गिंगाइल के अपने जो है पंजे मारे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो है गिंगाइल के माथे पर निशान पड़ गए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चीती, मतलब ये जो है गर्ल है ना चीती, उसने अपने जो है दांत दिखाए और अपने बड़े बिल्कुल शार्प पंजों से जो है गिंगाइल पर हमला किया और उसके फोर हेड पर अपने पंजे मारे। गिंगाइल रश डाउन द ट्री, जो है गिंगाइल जो है तेज़ी से दरख्त से नीचे उतरा। ही लैंडेड विद द हैवी थर्ड ऑन द ग्राउंड, जब वो नीचे उतर रहा था तो वो क्या हुआ, ड्रम करके जो है ग्राउंड पर गिर गया। ब्रेकिंग सेवरल ऑफ हिज बोन्स, जिसके नतीजे में क्या हुआ, उसके बहुत सारी जो है हड्डियाँ टूट गई। बोन्स मीन्स हड्डियाँ। ही वोर द स्कार्स ऑन द लेपर्ड ऑन हिज फोर हेड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज स्कार्स मीन्स निशानात। अब जो पंजों के निशानात थे जो है गिंगाइल के माथे पर, वो अब ज़िंदगी भर उसके निशानात जो है वो गिंगाइल के माथे पर रहेंगे। बट द चिल्ड्रन ऑफ गिंगाइल एंड द चिल्ड्रन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ गिंगाइल हर्ड द स्टोरी ऑफ निजिड, जब भी जो है गिंगाइल के बच्चे और बच्चों के बच्चे जो है निजिट की स्टोरी सुनते हैं। वेन एवर दे हार्वेस्ट एनी, दे आर श्योर टू लीव द बिगेस्ट एंड जूसीस्ट पार्ट ऑफ द कॉम्ब फॉर निजिट, जब भी वो जो है हनी की हार्वेस्ट मीन्स कटाई, जब भी उन्हें हनी मिलता है या हनी की वो कटाई करते हैं, तो वो सबसे बड़ा और जूसीस्ट पार्ट जो है वो शहद का निजिट के लिए छोड़ देते हैं। इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि अदले जैसा आप करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। मींस कि अगर आप जो है किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपको उसका बदला भी अच्छाई की सूरत में मिलेगा, और अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपको उसका बदला बुराई में ही मिलेगा। जैसे कि गिंगाइल ने निजिट के साथ अच्छा नहीं किया था, उसको हनी नहीं दिया था, तो फिर उसका जो है नतीजा क्या हुआ, बुरा हुआ, क्योंकि उसने बुरा किया था तो ऐट द एंड उसके साथ भी क्या हो गया, बुरा हुआ। तो हमें चाहिए कि हमेशा जो है हम हर किसी के साथ अच्छा करें, ताकि एट द एंड जो है हमारे साथ भी क्या हो, अच्छा ही हो। अब यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड होती है। आपका होम टास्क क्या है, आपने पेज नंबर 40, 41, 42 और 43, इट्स योर होम टास्क, यू हैव टू डू दिस फोर पेजेस। अब इन फोर पेजेस में जो है आपको क्या करना है, एडवर्ब से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है, तो आपको एडवर्ब के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एडवर्ब। सो आई विल डिफाइन यू फर्स्ट एडवर्ब। एन एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ब एंड सेज हाउ समथिंग इज़ डन। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब जो है हमारे वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है, उसकी मजीद वजाहत करता है। एडवर्ब की एग्जांपल जैसे आई रन, कि मैं भागती हूँ। अब यहाँ पर जो रन है वो आपका क्या है, वर्ब है, एक्शन है। अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से कर लूँ, आई रन फास्टली, अब यहाँ पर जो फास्टली है वो आपका क्या है, एडवर्ब है। आप देख रहे हैं कि ये आई रन फास्टली, के मैं तेज़ भागती हूँ। अब यहाँ पर जो हमारा फास्टली वर्ड है वो जो है क्या कर रहा है, हमारे जो वर्ब है उसकी क्या कर रहा है, मज़ीद वजाहत कर रहा है कि किस तरीके से भागती हूँ, तेज़ भागती हूँ। सो आपको समझ आ गया होगा आई होप, कि जो है एडवर्ब क्या करते हैं, हमारे वर्ब की मज़ीद क्लेरिफाई करता है, उसकी वजाहत करता है कि जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। पहले तो जस्ट सिंपल सेंटेंस था आई रन, कि मैं भागती हूँ, कुछ क्लेरिफाई नहीं हो रहा था। जब मैंने उसके साथ फास्टली वर्ड लगाया तो फिर हमें पता चल गया, वजाहत हो गई कि किस तरीके से भागती हूँ, फास्टली भागती हूँ। एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब आई रन, मैं भागती हूँ, ठीक है। रन यहाँ पर रन क्या है, हमारा वर्ब है। अगर मैं सेंटेंस को इस तरीके से कर दूँ, आई रन स्लोली,
जो स्लोली वर्ड है वो हमारा क्या है, एडवर्ब है। हम इसे एडवर्ब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया कि मैं आहिस्ता भागती हूँ। जो वर्ड स्लोली है वो क्या कर रहा है, हमारे जो वर्ब है रन उसकी क्या करे, मज़ीद वजाहत करे, उसको डिस्क्राइब करे कि किस तरीके से मैं भागती हूँ, आहिस्ता भागती हूँ। सो आई होप कि आपको जो है एडवर्ब जो है समझ आ गया होगा, एंड आप जो है अब अपनी एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। इफ़ एनी वन हैव अ लिटिल बिट कन्फ्यूजन अबाउट स्टोरी एंड दिस एडवर्ब, सो यू कैन आस्क मी, आई एम हेयर फॉर यू। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे लिव्स, टेक केयर, एंड आई लाफ इज ऑलवेज रिमेंबर मी इन योर प्रेयर।